देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टॉइकोमेट्री में आपके साथ मैं यहां पर हूं। इन दिस प्रॉब्लम इफ अ मोल वर टू कंटेन 1.0 इनटू 10 रिस्ट टू द पावर 24 पार्टिकल्स द मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है स्टूडेंट। आपको अज्यूम करने के लिए बोला गया है कि वन मोल जो हम जानते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, उसकी जगह 1.0 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स अज्यूम कर लीजिए और फिर बताइए वन मोल ऑक्सीजन जो है उसका मास कितना होगा। तो देखिए यहां पर एनी इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज नॉट गिवन। तो फिर क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हम ऑक्सीजन को एक एटम की तरह अज्यूम करें या मॉलिक्यूल की तरह। तो देखिए ऑक्सीजन O2 होता है, तो इसलिए देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर ऑक्सीजन एज O2। ये देखिए अब क्योंकि यहां पर आपको बोल रहा है कि 1.0 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स को आपको वन मोल अज्यूम करना है और जो गुरु मंत्र है हम जानते ही हैं क्या कि अगर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं तो O2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है। ये देखिए 32 ग्राम ऑफ O2। तो देयरफॉर अगर 1.0 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स में ले लूंगा तो कितना मास होगा, 32 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1.0 इंटू 10 की पावर 24। ये देखिए ये आपको मास बता देगा O2 का। तो यही आपको कैलकुलेट करना था, मास ऑफ वन मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी अगर हम वन मोल में 1.0 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स को अज्यूम कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड ये 53.2 ग्राम O2 आएगा स्टूडेंट्स। और वेयर इज दिस आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो दिस प्रॉब्लम ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, सभी बच्चों को समझ में आना जरूरी है। थैंक यू।